सेम, मैं उसी वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ, बिकॉज लास्ट पॉइंट कंजर्विंग रिसोर्सेज या कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज को कैसे संभाला जा सकता है, सिर्फ ये पॉइंट रह गया था. सो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज रेफर्स टू यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली सो दैट दे कुड बी रिन्यूड एंड कंटिन्यू टू बी यूज्ड इन फ्यूचर. यानी कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको बहुत ही ध्यान से यूज़ करना चाहिए, ओवर यूज़ या मिस यूज़ नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी नो वेस्टेज ऑफ दोज रिसोर्सेज. केयरफुल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज और उनको फ्यूचर यूज़ के लिए संभाले रखना, सो दैट कि नेक्स्ट जनरेशन भी, उनके लिए भी वो चीज़ें बची रहें, उनकी लाइफ भी उसी तरह से अच्छे से चलती रहे, दैट इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. So, conservation of resources refers to using natural resources carefully so that they could be renewed and continue to be used in future. So, same aisa hi ek aur hai, sustainable use of resources. What is sustainable use of resources? What do you understand by sustainable use of resources? It refers to carefully utilizing resources, yani ke careful use of resources and balancing the need to use resources. And also conserve them for future generation. जो भी हमारे पास ये resources हैं इनको बहुत ही संभाल के carefully use करना, so that कि ये ख़त्म ना हो जाए. For example, water. आज के समय में ground level, जो ground में ground water है उसका level continuously down होता जा रहा है, and we are misusing, we are wasting the water. अगर इसी हिसाब से हम लोग पानी को वेस्ट करते चले गए तो समय के साथ साथ उसका ग्राउंड का जो पीने के लायक पानी है वो ख़त्म होता जाएगा, और किसी समय ये बहुत ही मुश्किल से हमें पीने वाला पानी, साफ़ पानी हमें मिल पाएगा. ऐसे ही और बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, पेट्रोलियम के रिसोर्सेज जो लगातार ख़त्म हो रहे हैं. वी मस्ट यूज़ ऑल दोज रिसोर्सेज केयरफुली सो दैट कैन बी कंजर्व फॉर द फ्यूचर यूज़ ऑल्सो. सो इस तरह से हमने रिसोर्सेज से रिलेटेड टॉपिक पढ़ा. आई थिंक नाउ यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ रिसोर्स. व्हाट इज रिसोर्स? एनीथिंग, वेदर वी गॉट दैट फ्रॉम नेचर, वेदर दैट इज़ मैन मेड, वेदर दैट इज़ अ ह्यूमन बीइंग, कोई भी पर्सन, कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करे, एनीथिंग विच कैन फुलफिल अवर नीड्स, दैट इज़ रिसोर्स. इसकी कैटेगरीज 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में अगर सबसे पहले पढ़ें तो इसकी आगे क्लासिफिकेशन की गई है. इसकी क्लासिफिकेशन में एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज एंड लोकलाइज रिसोर्सेज हैं. देन उसके बाद ब्रॉड कैटेगरीज में नेचुरल रिसोर्सेज के बाद ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज. देन इन सभी रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज किस तरह से की जा सकती है, इस तरह से इस लेसन में ये सब है. सो नाउ योर फर्स्ट वर्क, स्पेशली क्लास 8 स्टूडेंट, क्लास 8 के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी मैंने ये नोट्स लिखे हैं स्टार्टिंग से लेके, दे हैव टू नोट डाउन इन देयर नोटबुक. SST नोटबुक लगाइए, उसमें प्रॉपर इंडेक्स बनाइए, पेज नंबरिंग करिए. कवर अभी मत चढ़ाना. व्हेन आवर क्लासेस विल बी स्टार्टेड देन आई विल टेल यू व्हाट टू डू, कौन से कलर का पेज, कौन से कलर का कवर चढ़ाना है, उसमें मैं बता दूंगा. लेकिन अभी के लिए आप ये सारे नोट्स लिखोगे, जैसे यहाँ पे है रिसोर्स का मीनिंग है, इट्स टाइप्स आर हेयर, इसकी क्लासिफिकेशन, जो भी मैंने ये नोट्स लिखे हैं, यू ऑल हैव टू डू दिस इन योर नोटबुक. ओके, सो इसके साथ ही आप अभी अपना काम करिए जो आपको मिला है, होमवर्क करिए, नोट्स लिखिए, एंड इसके बाद हम करेंगे इसकी बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स. अभी देख के लिए बाय बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे. बाय स्टूडेंट्स.